अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, नाजरीन अगर आप अपने आप से मुखलिस नहीं और अपनी मंजिल के हसूल में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं तो इसका नतीजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। अपनी सुस्ती और काहली या गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना खुद को धोखा देना है और अपने आप को धोखा देने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में आप उसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं जिसका आप ख्वाब देखते हैं और जिसके लिए कोशिश करते हैं। बज़ाहर ये अजीब लगता है मगर दर हकीकत हम में से अक्सर खुद अपने आप से भी मुखलिस नहीं, हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि अपनी ही कामयाबी की राह में हम खुद सबसे बड़ी रुकावट हैं। आइए मेरे साथ मिलकर अपना तजज़िया करें ताकि आपके खुद से अखलास का अंदाजा हो सके। सबसे पहले हतमी कामयाबी की बात करते हैं यानी आखिरत की कामयाबी। एक मशहूर कौल है कि जन्नत में हर कोई जाना चाहता है मगर मरना कोई नहीं चाहता। मैं इसे यूं लेता हूं कि हम जन्नत में जाने की बात तो करते हैं मगर इसकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं। आइए जरा अपने अपने आमाल का जायजा लें। हमारी इबादत, हमारे आमाल, हमारे मामलात, हमारा किरदार, हमारे वक्त और पैसे का इस्तेमाल, ये सब किस रुख पर है और आपको क्या नजर आ रहा है। अब दुनियावी तौर पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि हम अपनी असल शख्सियत यानी अंदर के इंसान को बेहतर बनाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं और किस नहज पर कर रहे हैं। क्या हमारा हर दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर है? इसके बाद अपने अहदाफ व मकासद या अपनी मुतय्यन करदा मंजिलों के हवाले से खुद से पूछें कि क्या आप कदम ब कदम मंजिल की जानिब रवानदवा हैं? क्या आपकी मसरूफियात और आमाल आपको अपनी मंजिल से दूर कर रहे हैं या नज़दीक? नाजरीन इन सवालात के जवाबात आपको बता देंगे कि आप खुद से कितने मुखलिस हैं। बाकी सवाल अगली किसी नशिस्त में, पहले इनके जवाब दीजिए।